Today we are going to discuss another type of the renewable energy that we get from the oceans, जिसको हम tidal energy कहते हैं और tidal power भी कहते हैं. Basically, this is the movement of water because of the gravitational pull जो होता है because of gravitational pull of moon and sun on the surface of earth. उसकी वजह से जो movement of water होता है, तो उस movement of water को हम capture करते हैं in the form of electricity. As you can see in the picture, यहाँ पे ये एक kind of propeller है, जैसे wind mill है वैसे ही यहाँ पे एक under sea जब पानी चलता है because of the tidal movement, ऊपर gravitation pull की वजह से ऊपर आता है, then उसका जो है level नीचे आता है, तो उस दौरान जो है ये fans वगैरह जो है work करते हैं because of जैसे wind mills में because of the movement of एयर जो है प्रोपेलर जो रोटर है वो रोटेट होता है. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एयर द वाटर वर्क्स एज अ मूविंग फोर्स जो इस पे स्ट्राइक करता है. तो टाइडल एनर्जी जो है ये बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं द मूवमेंट ऑफ टाइड्स इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. तो इसके बहुत सारे टाइप्स है, तो कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो टाइडस जो अपने जो प्राइमरी स्कूल्स में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज टाइड. टाइड इज बेसिकली जो लेवल ऑफ वाटर रेज होती है इन ओशंस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल मून का और सन का, जिसकी वजह से एक साइकिल सर्कुलर मूवमेंट हो जाती है, साइक्लिक पैटर्न होता है. जब भी किसी जगह जो है मून जो है होती है डायरेक्टली ऑन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन पुल ऑफ होता है बिकॉज ऑफ द मून एंड सन. अब मून की वजह से हाई टाइड्स होते हैं, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सन बिकॉज सन इज फर्दर देन मून. तो जो वाटर है ये इस पर ज़्यादा असर होता है ग्रेविटेशन पुल का, तो ये खींचता है ऊपर आता है. तो इसी मोमेंट को हम कैप्चर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइडल एनर्जी. तो टाइडल एनर्जी इज टोटली प्रिडिक्टेबल. ऐसा नहीं है कि विंड एनर्जी जो है अब पता नहीं है विंड कब फ्लो होगी, कब जो है स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. जो है विंड एनर्जी में हमें 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड, बट दैट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल. उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कब जो है विंड आएगी कब नहीं है, बट टाइड्स आर टोटली प्रिडिक्टेबल बिकॉज जो रोटेशन या एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, तो हमें पता है किस टाइम मून कहाँ पे होगी एंड देन वी टोटली कैन प्रिडिक्ट इट. तो किस एरिया में ज़्यादा पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी का, दैट इज़ मोर प्रिडिक्टेबल एज कम्पेयर टू द विंड एनर्जी. तो यहाँ पे एक जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं, जब लो टाइड्स हाई टाइड्स होते हैं तो सी का पानी बेसिन में घुसता है. बेसिन होता है जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं उस पानी को. ये एक बे हो सकता है, बे होता है मींस दैट इज कवर्ड बाय लैंड मास फ्रॉम थ्री साइड्स. तो एक साइड से सी होता है तो वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं पानी, या एस्चुरीज होती हैं वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. एक बैराज बनाते हैं, मतलब एक वॉल जैसा बनाते हैं, उस वॉल के नीचे एक फैन जैसा होता है. जब टाइड्स होती है तो ये पानी अंदर आ जाता है यहाँ पे, तो ये फैन चलता है, और जब लो टाइड्स होते हैं तो ये पानी नीचे यहाँ आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये पानी भी नीचे आ जाएगा बेसिन का. तो इस मोमेंट को हम कैप्चर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में. तो यही प्रिंसिपल है इसका. जैसे विंड एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं इन द इलेक्ट्रिसिटी, सेम वी कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे टाइडल एनर्जी को डायरेक्टली कोरिलेट किया जाता है दैट इज द एनर्जी फ्रॉम द मून, क्योंकि जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है उसी की वजह से जो टाइडल एनर्जी होती है. तो टाइडल एनर्जी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑन जैसे सोलर रेडिएशंस वगैरह होती है, तो सोलर रेडिएशन की वजह से विंड मोमेंट हो जाती है. तो सोलर रेडिएशन जो है उससे ये बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है. इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटेशनल पुल. जब तक यूनिवर्स जो है कायम है, दुनिया कायम है, तब तक ग्रेविटेशनल पुल रहेगा.
मीन्स टाइडल एनर्जी तब तक रहेगी जब तक मून है हमारे पास. अगर इन फ्यूचर मून नहीं रहेगी देन दैट विल बी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द अर्थ. वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट विल बी द लॉस ऑफ टाइडल एनर्जी. तो टाइडल एनर्जी नहीं होती है. बोथ जो ग्रेविटेशन पोल्स ऑफ सन एंड मून है उसको जो है उसे हमें टाइडल एनर्जी मिलती है. तो डिपेंड करता है कि लोकेशन ऑफ मून और सन कैसी होगी, देन उसके बेस पे हम टाइड्स को नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स बोल सकते हैं. अगर सन एंड मून परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर, तो देखो यहाँ पे मून यहाँ पे है एंड देन टोटली परपेंडिकुलर टू द सन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको नीप टाइड्स बोलते हैं. बिकॉज यहाँ पे जो जो है ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे मून का ज़्यादा है. यहाँ पे जब पैरेलल होंगे इन सेम लाइन जब होगी, जैसे फुल मून और न्यू मून होता है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे इसको स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं या हाई टाइड्स स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ दो बोथ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन नेगेट होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, तो इसको नीप टाइड्स बोलते हैं. तो इन ऑर्डर टू बी प्रैक्टिकल, जो एनर्जी तो डिफरेंस जो होनी चाहिए कम से कम बिकॉज ऑफ द टाइड्स, पानी का लेवल जो इंक्रीज होना चाहिए कम से कम 5 मीटर. अगर 5 मीटर से ज़्यादा जो इंक्रीज हो रहा है वाटर का लेवल बिकॉज ऑफ द टाइड्स, देन इट इज़ अ गुड दैट द लोकेशन हैज़ अ गुड पोटेंशियल फॉर कैप्चरिंग द टाइडल एनर्जी टू कन्वर्ट इट टू द इलेक्ट्रिसिटी. तो ओवरऑल 40 साइट्स है ओवर ऑल द वर्ल्ड जो मतलब आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी का या टाइडल पावर का. तो ओवरऑल पोटेंशियल जो पूरे वर्ल्ड में बताया गया है, एस्टिमेट किया गया है, दैट इज़ अराउंड 3000 गीगावाट्स फ्रॉम टाइड्स. तो पूरे वर्ल्ड में जितनी मोमेंट्स होती है टाइड्स की, उससे हम 3000 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट दैट एनर्जी इज स्प्रेड आउट एट वेरियस लोकेशंस. अब इंडिया में भी है बहुत सारे जगह, गल्फ ऑफ कैम्बे, गुजरात, कच्छ में हो है, अंडमान निकोबार में है, एंड देन इन द सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में भी है. देन अब ये काम कैसे करता है, इससे पहले मैंने बताया था कि कैसे काम की करता है. जैसे फर्स्ट जनरेशन अगर जो ट्रेडिशनली हम पहले यूज़ करते थे फॉर कैप्चरिंग द टाइडल एनर्जी, तो उसको फर्स्ट जनरेशन या बैराज स्टाइल ऑफ टाइडल एनर्जी पावर प्लांट्स कहते हैं उसको. एक डैम जैसा बनाया जाता है, डैम जिसमें नीचे से एक इनलेट होती है. तो इनलेट में नीचे टर्बाइन लगे होते हैं जो जनरेटर के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो जो ही फॉर एग्जांपल सी का पानी इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, तो ये पानी का लेवल इंक्रीज होगा, तो ये यहाँ इसमें चला जाएगा. तो ये बनाने का एक ही मकसद है ताकि इस पानी को किसी देर तक हम यहाँ पे रोक सके, एक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे रोक सके हम. तो ये अंदर जाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर इनलेट से जब ये अंदर जाएगा सॉरी, तो एक फोर्स के साथ चला जाएगा. इसका जो एनर्जी है या स्पीड है वाटर अंदर जाने की, वो बहुत ज़्यादा होगी. तो उस स्पीड की वजह से यहाँ पे टर्बाइन रन हो जाएगा एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो इसके अलावा ये वाटर यहाँ पे कुछ देर के लिए सेव हो जाता है, रिजर्व हो जाता है. और जब लो टाइड्स होते हैं तो ये पानी यहाँ सी में इसका लेवल डिक्रीज होता है, तो ओबियसली बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ये नीचे आ जाएगा. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है. तो यहाँ सेम आउट इनलेट से जहाँ से पानी अंदर आया था वहीं से बाहर भी जाएगा और ये फैन फिर से चलेगा. तो दोनों साइड से इनकमिंग जो टाइड्स है एंड आउटगोइंग टाइड्स जो है दोनों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो ये एक ट्रेडिशनल टाइप, एक इसको फर्स्ट जनरेशन टाइप ऑफ जो है टाइडल एनर्जी प्लांट्स कहते हैं.
तो इसमें एक फ्रांस में लॉरेंस में बनाया गया था, कनाडा में बनाया गया था, रशिया में बनाया गया था, और भी बहुत सारी लोकेशंस है जहाँ पे ये काम कर रहा है अभी, इस टाइप के जो है फर्स्ट जनरेशन टाइडल पावर प्लांट्स। अब है सेकंड जनरेशन पावर प्लांट्स। अब जो फर्स्ट जनरेशन पावर प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम है कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक बैराज बनाना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, एंड देन उसमें एक उतनी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही हमें टरबाइन वगैरह लगाना पड़ेगा। बट जो सेकंड जनरेशन ऑफ जो पावर प्लांट्स है, टाइडल पावर प्लांट्स, उसमें एक पोल्स जैसे बनाते हैं, जैसे टावर्स आजकल लगे हैं टेली कम्युनिकेशन के, वैसे ही टावर्स लगाए जाते हैं। वो टावर के नीचे इस टाइप के प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं जो पानी की मूवमेंट की वजह से मूव हो जाते हैं। बहुत ही जो स्लो मोशन भी अगर पानी का होगा, स्पीड कम भी होगी, तब भी ये मूव करता है। बट इसको हम बहुत सारे लगा सकते हैं इन सीरीज, जैसे हम एक विंड फार्म में हम लगाते हैं सीरीज ऑफ जो मिल्स, विंड मिल्स लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी लगाते हैं। तो कंसेप्ट वही है। तो इसमें टू एक्सिस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हम आगे डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैसे वो दो टाइप के वो प्रोपेलर्स होते हैं, कैसे वो मूव करते हैं। तो ऑन साइट हैज़ अ पोटेंशियल टू जनरेट पावर इक्वलेंट टू 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के इक्वलेंट एक पावर जनरेट कर सकता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें एक इन्होंने एक सेंट लॉरेंस सीवे में एक बनाया है इस टाइप का प्रोजेक्ट, जिसमें ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सेकंड जनरेशन टाइडल पावर प्लांट्स। अब दुनिया में, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ जो है ये प्रेजेंट है टाइडल, जहाँ से हम इसको हार्नेस कर सकते हैं। बहुत जाएगा लोकेशन, जैसे ये ग्रीन डार्क ब्लू कलर का है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जो है सेव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो लेवल ऑफ वाटर जो इंक्रीज होती है दैट इज़ मोर देन 5 मीटर्स। तो ये जो लाइट ब्लू है इट इज़ अराउंड 5 मीटर्स। तो यहाँ पे उस हिसाब से पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया गया है। तो इंडिया में पोटेंशियल है तकरीबन 8,000 मेगावाट्स का, मीन्स कि 8,000 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द टाइडल एनर्जी। इसमें 7,000 मेगावाट्स गल्फ ऑफ कैम्बे इन गुजरात, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे में, 1,200 मेगावाट्स इन गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे इस साइड गुजरात में ही है ये, एंड देन 100 मेगावाट्स इन गैंगेटिक बेल्ट डेल्टा, ये यहाँ पे सुंदरबांस जो है, जो मैंग्रोव्स का एरिया है सुंदरबन रीजन वेस्ट बंगाल में। तो ओवरऑल आप याद रखिए कि लोकेशंस क्या क्या है, एक गल्फ ऑफ कैम्बे गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ एंड सुंदरबंस में, एंड टोटल पोटेंशियल इज 8,000 मेगावाट्स। बाकी वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज है वो आइडेंटिफाई किया है, बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट द इंडियन सिनेरियो। तो अब जो विंड जो मिल्स होती है, टाइडल मिल्स होती है, तो ये बेसिकली जो टाइडल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द 3 टाइप्स। एक टाइड मिल होती है, एक टाइडल बराज होता है, टाइडल स्ट्रीम होती है। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि कैसे हम टाइडल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था ये वाला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, उसमें भी हमने 3 टाइप्स के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, क्लोज्ड साइकिल, ओपन साइकिल एंड हाइब्रिड साइकिल। वैसे ही यहाँ पे भी है टाइड मिल, टाइडल बराज एंड टाइडल स्ट्रीम। तो टाइड मिल बेसिकली एक एंशंट जमाने में यूज किया जाता था। ये अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे विद द विंड एनर्जी तो परफेक्टली बैठता है उस आइडिया में, कैसे पुराने जमाने में, एंशंट टाइम में, कैसे लोग विंड मिल को यूज करते थे फॉर ग्राइंडिंग द ग्रीन्स, तो जो या ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द वेल्स वगैरह, उसके लिए यूज़ करते थे। बट यहाँ पे जैसे ये व्हील है फॉर एग्जांपल, तो ये व्हील मूव करता है जब भी सी वाटर राइज होता है बिकॉज ऑफ द टाइडल एनर्जी। तो उसका एक शाफ्ट लगा होता है अंदर से, वो दो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है और उसको जो है यूज़ करते हैं फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द ग्रेन्स। ये भी हर लोकेशन में नहीं लगा सकते, बट कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस में लगा सकते।
उसके बाद सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनका जो है यूज़ करना बहुत ही रेयर हो गया ट्रेड टाइड मिल्स का। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप ऑफ वे था हाउ वी कैन कन्वर्ट द टाइडल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बेसिकली यूज़ होता था इन एस्चुरीज एंड बेज, जो भी हर किसी जगह यूज़ नहीं होता था, जहाँ पे यूज़ कर सकते थे वहाँ यूज़ करते थे उस ज़माने में। देन आया फर्स्ट जनरेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, टाइडल बराज जिसको बोलते हैं। तो टाइडल बराज की एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ये बनाया गया पूरा एक वॉल जैसा बनाया गया, इसके नीचे एक लगे हैं फैन से वाले। जब भी सी वाटर लेवल यहाँ से इंक्रीज होगी बाहर से तो ये पानी अंदर आ जाता है, देन जब सी वाटर का लेवल कम हो जाता है तो ये पानी फिर से वापस जाता है इन्हीं जो ये वहाँ पे जो आउटलेट्स है, तो यहाँ से पानी बाहर जाता है। तो यहाँ पे वो फैंस लगे होते हैं तो वो मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। यही जो है कंसेप्ट है सब में कि कैसे जो है वाटर की मूवमेंट को कैप्चर किया जाएगा। देन यही अब दूसरे हिसाब में कैसे ये काम करता है, जैसे पानी अंदर जाता है देन इट स्टार्ट मूविंग एंड जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे भी एक पिक्चर में कैसे पानी अंदर जाता है एंड देन कैसे बाहर जाता है एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसमें एक पिक्चर है ये वाला, ये रेंस टाइडल पावर स्टेशन है, ये फ्रांस में है, लॉरेंस जिसको मैंने अभी बताया था। इसमें ये ओपन किया गया था 26 नवंबर 1966 में। तो ये जनरेट करता है 240 मेगावाट्स ऑफ पावर। तो इसमें 24 टर्बाइन्स लगे होते हैं, ये वाले ये जो टर्बाइन्स है ये 24 लगे हैं इसमें। तो इट सप्लाइज 0.012% पावर डिमांड, मीन्स 0.012% ऑफ पावर डिमांड ये सप्लाई करता है टू द फ्रांस एक सिंगल स्टेशन, मीन्स कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उसके बाद टाइडल स्ट्रीम, इसको हम टाइडल एनर्जी कन्वर्टर भी बोलते हैं। बेसिकली जो हमने बैराजेस बनाए या विंड मिल्स हमने देखे, उसके जो बरक्स एक इस टाइप के प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं अंडर द वाटर, उसमें फैंस ऐसे इस टाइप के लगे होते हैं, जब भी मूवमेंट ऑफ वाटर होती है तो ये मूव करते हैं। तो बहुत ही लो प्रेशर में जो है ये मूव करते हैं। एज़ कम्पेयर टू एयर जो डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा होती है, तकरीबन 800 टाइम्स ज़्यादा होती है डेंसिटी। तो उस डेंसिटी की वजह से जो है मूवमेंट ऑफ जो प्रोपेलर्स है बहुत अच्छी होती है, बिकॉज जो कंटैक्ट होता है पानी का बहुत ही अच्छा होता है टू द प्रोपेलर्स, तो ये मूव करते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये हमने इसे पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अगर हम देखेंगे 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम दीज काइंड ऑफ टाइडल स्ट्रीम्स। तो अब जो टाइडल टर्बाइन्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन है एंड वेंचुरी टाइप ऑफ टर्बाइन है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जनरेटर होता है, ये शाफ्ट होता है, तो ये कनेक्ट होता है टू द ये प्रोपेलर्स जो है। जब ये पानी मूव करता है तो ये ब्लेड्स पे जब पानी टकराता है ये मूव करता है। तो ये जब मूव करता है तो ये शाफ्ट भी मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये सिंपल इसका प्रोसीजर है। तो पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से चला जाएगा और ये ऐसे घूमेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल टर्बाइन, बिकॉज ये कम पानी जब भी आ जाएगा, अगर फ्लो ऑफ वाटर कम भी है उसमें भी ये वर्क अच्छे से करता है। इसकी एफिशिएंसी एंड सर्वाइवेबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन इस टाइप के होते हैं, इसमें इस टाइप के जो प्रोपेलर्स लगे होते हैं, ये तो यहाँ पे अभी तो अभी वाटर के लेवल बहुत कम है बिकॉज ये लो टाइड सिचुएशन है यहाँ पे। जब हाई टाइड्स होते हैं तो ये पूरा पानी में आ जाता है।
तो ये जब पानी का लेवल इंक्रीज होता है तो ये मूव करता है, तो दिस इज़ अ हॉरिजेंटल फैन टाइप ऑफ जो सिस्टम है, जैसे विंड मिल्स में होता है वैसे ही। तो यहाँ पे जो जो है डायमीटर ऑफ जो दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ टर्बाइन विद स्मॉलर डायमीटर ब्लेड्स विद डिफरेंट डिज़ाइन। अब इसके भी डिफरेंट डिज़ाइंस है। अब ये जो ब्लेड्स है ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द विंड मिल्स के ब्लेड्स, बिकॉज ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है बहुत ही ज़्यादा होती है, ये इससे जो है ख़राब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो जब पानी ऊपर आएगा तो ब्लेड्स मूव करेंगे, एंड देन जब पानी नीचे आ जाएगा तो फिर से मूव करेंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे लगे होंगे सीरीज में एक लोकेशन पे, खाली एक नहीं होगा, एक से उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट नहीं होगी। तो ये पूरे जितने भी स्टेशंस होंगे ये कनेक्टेड होते हैं टू द ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्म जो है उसको फिर एम्पलीफाई करता है वोल्टेज को, एंड देन दे सप्लाई टू द लोड। एंड लास्ट टाइप ऑफ टर्बाइन इज वेंचुरी काइंड ऑफ टर्बाइन। इसमें एक जो है बनाया जाता है, ये बेसिकली उन लोकेशंस में रखा जाता है जहाँ पे वाटर लेवल बहुत ही कम हो, मीन्स कि टाइप जो वेलोसिटी ऑफ जो वाटर है अक्रॉस द टर्बाइन जो इंक्रीज होती है जब भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया से पानी घुसाएंगे, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, जैसे हमने बैराज में भी देखा। तो वेंचुरी टाइप ऑफ जो है सेटअप वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे पानी का लेवल कम होगा, शैलो होगा, तो यहाँ पे ये लगाया जाता है वेंचुरी टाइप। तो पानी जब इस एरिया से घुसेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो बाकी एरिया से पानी आएगा। तो यहाँ पे फैंस जो लगे होते हैं डायरेक्टली नहीं लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा फैंस, इसमें कोई कवर नहीं होता, श्राउड नहीं होता है, श्राउड मीन्स पूरा इसमें कवर नहीं होता है, पूरा खुला होता है। बट एज कम्पेयर टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिस इज कवर्ड बाय सम मेटेलिक जो है, इसका कुछ एरोडाइन, इसका कुछ जो है डायमेंशंस होंगे जिसकी वजह से स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीज या डिक्रीज होगी, डायनेमिक्स होंगे इसके, तो कैसे वो हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज कर सकता है फैंस पे, वो इसमें उस टाइप के जो है डायमीटर्स हो गए, उस टाइप के मेजरमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप्स के जो टाइडल टर्बाइन्स होते हैं। अब टाइडल एनर्जी के क्या एडवांटेजेस है, तो फर्स्ट इट इज़ पोल्यूशन फ्री। अब इसमें पोल्यूशन एक ही चीज़ से हो सकता है, दैट इज़ व्हेन वी आर मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उस टाइम फैक्ट्री में जब हम बनाएंगे उस टाइम ये कुछ पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, बट वो तो हर किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड होता है उस टाइप का। तो व्हेन द एनर्जी इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ टाइडल देर इज नो पोल्यूशन, तो ये रिन्यूएबल्स रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। तो विंड एनर्जी के हिसाब से जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 800 टाइम्स मोर देन द डेंसिटी ऑफ एयर। तो डेंसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना जो है एनर्जी ज़्यादा होगी, तो कोल्ड एयर जो होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो किसी भी लोकेशन में जहाँ पे एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द विंड मिल्स। तो वैसे ही यहाँ पे है, जब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी ज़्यादा होगी। देन फोर्थ एडवांटेजेस इज इट इज़ प्रिडिक्टेबल एनर्जी एज कम्पेयर टू विंड एंड सोलर। सोलर एनर्जी भी अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं भी क्लाउडी हो जाएगा तो कहीं पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उसकी एफिशिएंसी में भी असर पड़ता है। बट टाइडल एनर्जी इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ दीज जो है वो, उसका अलग जो ग्रेविटेशन पुल का भी इन्होंने डिस्कवर किया था कि कैसे ग्रेविटेशन पुल होता है बिकॉज ऑफ सम वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, तो वो टोटली इंडिपेंडेंट है ऑन ऑल अदर सोर्सेस। सेकंड जनरेशन इज़ वेरी फ्यू डिसएडवांटेजेस, मीन्स कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता है, जैसे हम समंदर में लगाएंगे तो हम जो है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ही लगाएंगे, पूरा हम समंदर में नहीं जाएंगे, ये शोर्स के नज़दीक लगता है जहाँ पे हम बैराज वगैरह बना सकते हैं, जहाँ पे एस्चुरीज वगैरह वहाँ पे बना सकते हैं। तो सिल्ट डिपोजिशन में भी ये जो है उतना उसमें इम्पैक्ट नहीं करता है।
जो है लेस कॉस्टली है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी एंड एज वेल एज इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत कम है इसका बस। बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। प्रेजेंटली जो है इसको बनाना थ्योरेटिकली तो ये बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, बट प्रैक्टिकली इट इज़ मोर कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव बिकॉज स्टिल देयर आर सम टेक्नोलॉजीज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, सम इनोवेशंस हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें तकरीबन कोई एक प्रोजेक्ट में शायद 1085 मेगावाट्स फैसिलिटी में तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स का जो कॉस्ट आया था कंस्ट्रक्शन में एंड मेंटेनेंस पूरा रनिंग कॉस्ट में। तो ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। उसके अलावा कनेक्शन टू द मेन ग्रिड, तो अब जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वहाँ उसको मेन ग्रिड से कनेक्ट करना वो भी एक ड्रॉबैक है। किस टाइप की जो है केबल्स वगैरह बिछानी पड़ेगी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। तो इसमें अभी मैंने जो कहा टेक्नोलॉजी फुली डेवलप नहीं है। बरा स्टाइल इज़ ओनली प्रोड्यूसिंग एनर्जी अबाउट 10 आवर्स आउट ऑफ द डे, तो खाली 10 घंटे एनर्जी प्रोड्यूस करता है बरा स्टाइल, जो फर्स्ट जनरेशन टाइल पावर प्लांट्स है इस टाइप के। तो इसमें बराज स्टाइल में जो फर्स्ट जनरेशन में कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी है जैसे सच एज फिश एंड प्लांट माइग्रेशन। अब फिशेस जो होती है माइग्रेट करती है फ्रॉम वन एरिया टू वन अनदर एरिया, तो अगर हम वहाँ पे बैराज बनाएंगे देन फिश मूवमेंट विल बी देन फिश मूवमेंट विल सफ़र। जो फिश की जो प्रोडक्शन साइकिल होता है स्पॉनिंग वो करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो उसमें जो दिक्कत आ सकती है। सिल्ट डिपोजिशन में अगर हम बैराज बनाएंगे देन सिल्ट डिपोजिशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। देन लोकल टाइड चेंज अफेक्ट स्टिल अंडर स्टडी, कुछ अबाउट लोकल एरियाज में क्या क्या चेंज आई है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी अब जब इंस्टॉल करेंगे वो अब स्टिल जो है अंडर द वर्क है, अंडर द रिसर्च है। इसकी ये जो एनर्जीज है जैसे हमने कल पढ़ा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, वो भी स्टिल अंडर प्रोसेस है, उसमें भी स्टिल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है। और उसके अलावा ये वाली भी एनर्जी भी है बिकॉज दिस इज अ वास्ट काइंड ऑफ एनर्जी एंड स्प्रेडेड आउट, ये एक जगह कंसनट्रेटेड नहीं है। जैसे हम हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं तो हम वहाँ पे डैम बनाते हैं एक ही जगह पूरी एनर्जी हमें मिलती है पोटेंशियल, तो वहाँ पे हम पूरा एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कितने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। चाहे हम थर्मल पावर प्लांट्स बनाते हैं वहाँ पर भी हम पूरा गेस कर सकते हैं, बट ये जो एनर्जी है पूरी स्प्रेड आउट है ऑन द सी जो सरफेस है, तो उसको पूरा एसेस करना, उसके इम्पैक्ट्स को एसेस करना और उस टाइप की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना कि कैसे हम उसको एक प्रॉफिटेबल वे में एक कमर्शियल लेवल पे हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी इतनी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया हो एट कमर्शियल लेवल, इरेस्पेक्टिव ऑफ सम डेवलपिंग कंट्री जैसे रशिया है, कनाडा है, फ्रांस है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्रांस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टाइडल एनर्जी। तो उसके अलावा भी सी से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, विंड वेव एनर्जी जैसे वेव्स से हम एनर्जी ले सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम जो जो सेकंड जनरेशन ऑफ जो टाइडल पावर प्लांट्स है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो वेव्स आती है तो उसकी वजह से भी जो है जो टाइडल मिल्स के फैंस रन कर सकते हैं, तो उसको भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो थे आपके जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर जो हार्नेस कर सकते हैं फ्रॉम द ओशंस। वन वन इज़ द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, अनदर इज़ द टाइडल एनर्जी। उसके अलावा भी छोटी छोटी एनर्जी जैसे विंड वेव एनर्जी है भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके में, बहुत सारी एनर्जीज जो आ रही है, बट मोर और लेस दे आर कनेक्टेड टू द ओशन एनर्जी थर्मल कन्वर्शन एंड टाइडल एनर्जी एंड।